देश को 28 मई को नया संसद भवन मिलने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अभी से विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का विरोध जारी है। इसको लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर जुबानी प्रहार किया है। विज ने कहा कि देश की कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अंग्रेज मोह अभी नहीं गया, उन्हें अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीजें ज्यादा पसंद है। विज ने कहा कि मेरा ये मानना है कि जो भी पार्टियां इस नए मंदिर का बहिष्कार कर रही हैं, देश को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार को बने हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर विज ने खुश होते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम युग रहा, पहली बार स्वर्णिम विकास हुआ है, हर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, गरीब से गरीब आदमी की भी चिंता की जा रही है। विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, विपक्ष विरोध करा ही करता है, लेकिन किस बात का? अब हर अच्छे काम का आप विरोध करते हो, तो ठीक बात नहीं है। ये तो जैसे असुर थे, वो सुरों के जब वो यज्ञ जहाँ अच्छे काम किया करते थे तो उसमें अड़चन डाल दिया करते थे, जैसे ताड़ का वो हड्डियाँ डाल देती थी, ये तो वो काम करते हैं। देखिए, एक हमारे देश की कई विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस सहित, जिनका अभी तक अंग्रेज मोह भंग नहीं हुआ है। उनको जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं, और जो चीज़ हमारे मजदूरों ने बनाई है, हमारे कारीगरों ने बनाई है, हमारे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है, हमारे इंजीनियर्स ने बनाई है, वो उनको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र के इस नए मंदिर का जो भी पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं, हर देशभक्त व्यक्ति को उन पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये जो 9 साल हैं, ये स्वर्णिम युग है। पहली बार देश में सर्वांगीण विकास हुआ है, हर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, गरीब से गरीब आदमी की भी चिंता की जा रही है, और देश में नए रोजगार पैदा करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को भी उसी प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है।